हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का फिर से एक बार मैं संदीप त्रिपाठी अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश वाइब्स पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैं एक्सरसाइज सॉल्व करने जा रहा हूँ नाउन चैप्टर का, जो कि बुक है रत्ना सागर पब्लिकेशन 7th स्टैंडर्ड। इसका यूनिट 1 का लेसन नंबर 2 है नाउन। इसके जितने भी एक्सरसाइजेज हैं इस वीडियो में मैं कम्प्लीट इस एक्सरसाइज को सॉल्व करूंगा। और जिन बच्चों ने नाउन चैप्टर की वीडियो में अभी ना देखी हो नाउन को, जिसमें मैंने कम्प्लीटली डिफाइन किया हुआ है, आप जाकर के चैनल के प्लेलिस्ट में नाउन चैप्टर के एक बार पढ़ जरूर लीजिए, जिससे कि इस चैप्टर को आप इजीली समझ पाएं। इसके जो सॉल्यूशंस मैं कराऊंगा वो भी आपको इजीली समझ में आए। तो चलिए खैर क्लास को स्टार्ट करते हैं। जिन भी बच्चों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो, नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा जो वीडियोस आप तक इजीली पहुंचते रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो नाउन चैप्टर का पहला यहाँ पे ए नंबर का एक्सरसाइज है। ये कह रहा है कि चूज सुटेबल वर्ड और फ्रेज फ्रॉम द बॉक्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स एंड पुट क्रॉस वेयर नो वर्ड इज रिक्वायर्ड टू बी फिल्ड। यानी कि यहाँ पे देखिए कुछ वर्ड्स यानी फ्रेज दिए गए हैं, इनको हमें यहाँ पे फिल करना है और कुछ जगहों पर हमें इनको फिल करने की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ। पहला यहाँ पे देखिए क्या है, डू यू हैव एन एक्स्ट्रा डैश ग्लव्स विद यू। तो यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा अ पेयर ऑफ ग्लव्स। सेकेंड क्वेश्चन, अखिल ऑर्डर्ड हॉट चॉकलेट डैश शुगर। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ सेकेंड नंबर की, यहाँ पे आप कोई भी वर्ड यूज नहीं करेंगे तो यहाँ पे आप क्रॉस लिख सकते हैं। थर्ड नंबर, जूट इज डैश बैड कंडक्टर ऑफ हीट। तो यहाँ पे आप कहेंगे जूट इज आ, क्योंकि यहाँ पे जो प्रोनाउंसिएशन दैट इज बैड, यानी कि कॉन्सोनेंट का प्रोनाउंसिएशन, कॉन्सोनेंट साउंड है। फोर्थ यहां पे देखते हैं, देयर आर अ डैश ट्रीज इन माई गार्डन। सो देयर आर अ फ्यू, यहां पे हम फिल करेंगे देयर आर अ फ्यू ट्रीज इन माई गार्डन। ऑल राइट, फिफ्थ नंबर की बात करें, सो हाउ डैश टाइम डू यू नीड टू कंप्लीट द असाइनमेंट। तो यहां पर आपका आंसर हो जाएगा हाउ मच टाइम, दिस ऑप्शन विल बी कट हियर, यू नीड टू फिल मच। ओके, नाउ सिक्स नंबर देखते हैं, दिस टेबल टॉप इज मेड ऑफ डैश फाइबर ग्लास। यानी कि यहां पे हम कोई भी वर्ड या फ्रेज यूज नहीं करेंगे। सेवन नंबर की बात करें, तो वुड यू लाइक टू हैव फ्रूट्स। तो यहां पे हो जाएगा वुड यू लाइक टू हैव सम फ्रूट्स, यानी कि यहां पे ये ऑप्शन सही होगा। लास्ट अब यहां देखते हैं एट नंबर, आपको यहां पर आइडिया लग गया होगा कि सिंपली एक ऑप्शन बचा है एंड आई बॉट एन अम्ब्रेला। तो दिस इज द सोल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज नंबर ए। चलिए बात करते हैं एक्सरसाइज बी की। और आप लोग प्लीज बेटा एक काम और करिएगा कि जो भी मेरी एफर्ट्स कर रहा हूँ, आप लोगों के लिए एफर्ट्स कर रहा हूँ, तो आप लोग प्लीज ज्यादा से ज्यादा लोगों की शेयर करिए, जिससे ज्यादा व्यूज आए, ज्यादा बच्चे करते हों, तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा, मेरा मन करेगा कि और भी वीडियोज में आप लोगों के लिए लेकर के आऊँ। और कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट जरूर किया करिए कि मेरा एफर्ट आपके लिए यूजफुल है कि नहीं। चलिए खैर बी की बात करते हैं, सो दीज सेंटेंसेज आर इन करेक्ट, री राइट दैम यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ नाउन। यानी कि प्रॉपर नाउन यहाँ पे यूज नहीं किया गया है, तो आपको प्रॉपर नाउन यहाँ पे यूज करना है। यहाँ पे लिखा गया है द स्टार्स इन द स्काई शाइन्स एवरी नाइट्स। तो यहाँ पे देखिए ये गलती है, नाइट्स नहीं होता, नाइट्स का प्लूरल नहीं बनता है, यहाँ पे नाइट्स की जगह पे आपका ओनली नाइट होगा। ऑल राइट, पूरा सेंटेंस आप अपने से लिख लीजिएगा, पूरा लिखोगे तो काफी टाइम लगेगा। एक्चुअली यहाँ पे देखिए नेक्स्ट बात करते हैं, चिल्ड्रेन गो टू द पार्क विद देयर पेरेंट्स। तो यहाँ पे देखिए चाइल्ड लिखा है, मैंने बोल भी दिया, चाइल्ड बच्चा यहाँ पे नहीं होगा बल्कि यहाँ पे चिल्ड्रेन होगा, तो ये गलती है, यहाँ पे चाइल्ड की जगह पे आपको फिल करना है चिल्ड्रेन। ऑल राइट एवरीवन, अब थर्ड नंबर की देखिए बात करते हैं, द शेफर्ड एंड देयर शीप्स लिव ऑन द हिल्स। देखिए शीप का प्लूरल शीप ही होता है, मैंने अपने वीडियो में बताया हुआ था, बट यहाँ पे शीप के साथ में एस लगा हुआ जो कि गलत है, यानी कि यहाँ पे आपको सिंपली फिल करना है शीप, एस आपको नहीं लगाना है। फोर्थ नंबर में आ जाते हैं, द सिंपल जॉय ऑफ लाइफ डू नॉट लाई इन द मटेरियल थिंग लिखा हुआ, तो दिस इज द करेक्शन, ये गलती है, यहाँ पे एस एड होना चाहिए थिंग्स, क्योंकि थिंग नहीं होता, थिंग्स होता है। अब चलिए बात करते हैं यहाँ पे एक्सरसाइज नंबर सी की। तो सी यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, रीड द पोएम द फॉक्स एंड द ग्रेप्स फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट नाउन फ्रॉम द बॉक्स। ओके, ये तो काफी इजी है, आई होप ये आप लोग को, चलिए मैं करा देता हूँ ये भी। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा,
वन समर डेज अ फॉक्स पासिंग थ्रू एंड, यहाँ पे आप फिल करेंगे ऑर्चर्ड, पहले में आपको क्या फिल करना है यहाँ पे पासिंग थ्रू एंड ऑर्चर्ड, यहाँ पे आप फिल करेंगे, आप बुक में फिल कर दे जाइएगा। फेंट ही वॉज हंग्री, वॉज फेंट ही वॉज एंड हंग्री टू, वेन सडनली ही कीन हिज कीन आई चांस टू फॉल अपॉन अ, यहाँ पे हो जाएगा आपका बंच ऑफ ग्रेप्स, सो हियर इज बंच ऑफ ग्रेप्स, सबने ये स्टोरी सुनी होगी आई होप, बंच ऑफ ग्रेप्स अबाउट द वॉल, जस्ट द थिंग्स ही सेड, हु कुड रेसिस्ट इट, हैज ही आईड द पर्पल एंड जम्प्ड, तो ही आईड पर्पल, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा नेक्स्ट, यहाँ पे क्लस्टर, यहाँ पे आप क्या फिल करेंगे क्लस्टर, देखिए सारा ब्लैंक ऑप्शन में आपको फिल करा देता हूँ, ऐसे काफी टाइम लग जाएगा। अगर मैं फोर्थ की बात करूँ तो फोर्थ में यहाँ पे आपका फिल होगा रिजल्ट्स, व्हाट यू विल फिल रिजल्ट्स, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, ये बल्कि आप खुद से फिल करिएगा बाकी रिमेनिंग, मैंने इतना फिल करा दिया है, तो डी पे चलते हैं। अब ये डी एक्सरसाइज यहाँ पे क्या कह रहा है कि आपको ये ऑप्शन चूज करने हैं, सो स्नेक्स आर नॉट पॉइजनस, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं ऑल, फर्स्ट में यहाँ पे क्या क्लिक होगा आप ए को टिक कर लेंगे, फिर सेकंड में चलते हैं, द बैट इज ऑनली द मैमल दैट फ्लाई एंड द सम, तो यहाँ पे द ऑनली क्या फिल करेंगे द ऑनली। थर्ड की बात करें थर्ड में आता है व्हेल्स डॉल्फिन एंड सील्स आर डैश, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन अ लिटिल ऑल मोस्ट, तो यहाँ पे आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑल, तो ऑल को आपको फिल कर लेना है। फोर्थ में चलते हैं, A giraffe has the same number of bones in its neck as human do, 7. However, dash bone is quite long. तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन हो जाएगा each bone. This option will be the correct one. हम फिफ्थ की बात करें तो dash sloths appear, यहाँ पे हो जाएगा आपका some sloths. Alright, this option will be the correct one. 6. Here the correct answer will be the. यहाँ पे आपको the fill करना है. 7 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आ फ्रॉग। 8th में आपको हो जाएगा बर्ड्स यानी कि मैनी बर्ड्स, तो हियर यू ऑप्शन विल बी मिन। 9th विल बी अ लार्ज नंबर ऑफ, यहाँ पे आप क्या फिल करेंगे अ लार्ज नंबर ऑफ सेल्स। ऑलराइट, सो दिस वन आल्सो हैज बीन सॉल्व, चलिए हम ई की बात करते हैं। एक्सरसाइज ई यहाँ पे क्या करा है, रीड द पैराग्राफ एंड आइडेंटिफाई द एरर्स इन द सेंटेंसेस एंड राइट पैराग्राफ करेक्टली इन योर नोटबुक। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, लास्ट मंथ सुष्मिता वेंट ऑन अ हॉलीडेज, तो देखिए हॉलीडेज नहीं होता है हॉलीडे होता है, यहाँ पे आपको एस को ओमिट करना है, एस को आपको हटा देना है। आगे चलते हैं, विद हर फैमिली टू डल हाउस, स्पेलिंग मिस्टेक है यहाँ पे। आगे चलते हैं, इन द मॉर्निंग शी वोक अप टू द साइट ऑफ द लश मैजेस्टिक माउंटेन, तो यहाँ पे देखिए माउंटेन है, ये यहाँ पे करेक्शन है, माउंटेन में माउंटेन्स होना चाहिए यानी कि एस एड होना चाहिए था। आगे चलते हैं, एट नाइट शी गेज्ड एट द स्टारी स्काईज, जब स्काईज नहीं होगा स्काई होगा, ये यहाँ पे मिस्टेक है। वन मॉर्निंग एज शी वॉज लुकिंग आउट ऑफ द विंडो ऑफ हर कॉटेजेस, नहीं होगा यहाँ पे, ये गलत है, कॉटेज होगा, तो आप एस को आप रिमूव कर देंगे। And she saw several large dark cloud. Dark clouds यहाँ पे होना चाहिए, ये correction हो गया, clouds हो जाएगा। अब जो covering the skies, फिर से देखिए यही sky आ गया, आप skies को sky कर लीजिएगा। And soon the sun hid behind the dark cloud. देखिए cloud आपने already ये correction किया हुआ है, आप खुद से करिए, clouds हो जाएगा यहाँ पे। सुष्मिता saw flock of bird. Bird नहीं होगा यहाँ पे, birds होगा। Across the sky, they had probably anticipated the rain and were heading towards their nest. A little later, she heard thunders. यहाँ पे thunders ना होकर के thunder होगा। यहाँ पे आपको s को remove करना है। Thunders and there was another sound that alarmed her. And this sound did not come from the sky and the sound came from lawn in the near. इन द रियर ऑफ द कॉटेज शी वैन टू द विंडोज, विंडोज नहीं होगा यहाँ पे, विंडो होगा, तो आपको एस को रिमूव कर देना है। दैट ओवर लुक्ड ऑन लॉन द टू हर अमेजमेंट शी सॉ सम प्रेटी पिकॉक, पिकॉक नहीं यहाँ पे, पिकॉक्स होगा, प्लूरल नाउन आप यहाँ पे यूज करेंगे। दैट डे शी लर्न दैट देर आर सम बर्ड्स
यहाँ पे आप एस ऐड कर देंगे, बर्ड में मिस्टेक है, दैट अवॉइड द रेन, व्हाइल देयर आर सम दैट एंजॉय इट इज जस्ट लाइक ह्यूमन, इट शुड बी ह्यूमंस। तो ये सारे यहाँ पे मिस्टेक्स थे जिसका करेक्शन मैंने आपको बता दिया है। जिन बच्चों ना करने उन्हें दिक्कत हुई हो तो आप वीडियो को पॉज करके भी आप कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा। चलिए यहाँ पे देखिए, इसको मैंने ऑलरेडी मैंने सॉल्व कर रखा है, मैं इसके लिए आंसर आपको बता दे रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं सॉल्व करूँ तो काफी टाइम लगेगा। ओके, यहाँ देखिए आपको जो अक्रॉस वाले जो ऑप्शन है, यहाँ पहला हो जाएगा अ टीम ऑफ हॉर्सेज, यहाँ पे आप क्या फिल करेंगे, अ टीम, आप पेन लेकर के बैठिए, आप बुक में फिल करते जाइए, मैं बोलता जा रहा हूँ। थर्ड में यहाँ पे आप फिल करने जा रहे हैं क्लाउड ऑफ डस्ट, फिफ्थ में आप फिल करेंगे स्टैक ऑफ हे, सेवंथ में आप फिल करेंगे कारवा ऑफ कैमल्स, यहाँ पे आप क्या फिल करेंगे, स्पेलिंग मैं लिख दे रहा हूँ CARAVAN होता है। इसके बाद एट्थ में आपका हो जाएगा ट्रूप ऑफ डांसर्स, एट्थ में आपको फिल करना है ट्रूप ऑफ डांसर्स। अब ये डाउन वाले ऑप्शन से मैं आपको आंसर्स बता दे रहा हूँ, फर्स्ट पे यहाँ पे होगा चेस्ट ऑफ ड्रॉर्स, दूसरे में हो जाएगा डायनेस्टी ऑफ किंग्स, तीसरे में हो जाएगा सीरीज ऑफ इवेंट्स, सिक्स्थ में आपका यहाँ पे आंसर होगा एल्बम्स, लास्ट वन विल बी द चेन ऑफ आइलैंड। सो दिस वन ऑल्सो हैज बीन डन। अच्छा नेक्स्ट जी नंबर की बात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको हिंट दिया गया है, इस हिंट के बेसिस आपको करेक्ट जो नाउन है उसे यहाँ पे फिल करना है, कलेक्टिव नाउन। मैं आपको आंसर यहाँ पे बताते चल रहे हैं, फर्स्ट में आपका ये है, ये हो जाएगा क्रू, इट विल बी क्रू, यहाँ पे जम्बर देखिए लिखा हुआ है, काफी इजी, आई होप आप लोग कर पाएंगे। सेकेंड वन इज फैमिली, यहाँ पे ये फैमिली है, जम्बर लिखा हुआ है। थर्ड है आपका ये क्राउड हो जाएगा, फोर्थ काफी, देखिए मैं टाइम नहीं ले रहा हूँ क्योंकि काफी ज्यादा एक्सरसाइजेस, कम से कम समय में मैं चाह रहा हूँ कि आपकी सारी बुक्स की एक्सरसाइजेस सॉल्व हो जाए। फोर्थ नंबर की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपका फिल होगा क्लम, जो बच्चे ऐसे केवल वीडियो देख रहे हैं आप बुक लेकर के बैठिए, पेंसिल लेकर के बैठिए और लगातार फिल करते जाइए तो आपके लिए ज्यादा इजी हो जाएगा। फिफ्थ में आप फिल करने वाले हैं रेंज, एंड सिक्स में यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी बकेट, दैट विल बी बकेट, यहाँ पे ये दिया गया, इसको आप फिल कर लीजिए। ओके अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, यहाँ पे सेवन नंबर, सेवन नंबर में आपका जो करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी पैक, दैट विल बी पैक ऑफ वुल्व्स। एट में आप फिल करेंगे फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, नाइन्थ में आपका फिल होगा बैंड ऑफ म्यूजिशियंस, लास्ट इज द स्वर्म, स्वर्म ऑफ लोकस्ट। सो दिस वन हैज बीन डन। अब चलिए हम बात करते हैं एच की, और यहाँ पे भी आपको वही यूज करना है, यहाँ पे आपको ऑप्शन यहाँ पे दिए गए, मैं सभी के आंसर्स बोलता जाऊँ, आप सीधा टिक करते जाएगा, दैट विल बी मच बेटर फॉर यू। यहाँ पे जो फर्स्ट आपका ऑलरेडी सॉल्व है फ्लैश ऑफ लाइट्स है, सेकेंड यहाँ पे आपका फिल होगा पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, देखिए पीस यहाँ पे दिया गया है, दिस वन हियर यू कैन टिक। थर्ड नंबर यहाँ पे आपका होगा स्ट्रैंड, थर्ड नंबर पे आप यहाँ पे क्या क्या फिल करेंगे, स्ट्रैंड ऑफ हेयर्स। फोर्थ विल बी बेल ऑफ कॉटन्स, फिफ्थ विल बी जार ऑफ जैम्स, सिक्स विल बी बॉक्स ऑफ सीरियल्स, सेवन नंबर की अगर बात यहाँ पे हो जाएगा आपका सैक, ये देखिए ऑप्शन सारे यहाँ पे दिए गए, आप फिल करते जाइए, सैक ऑफ राइस। एट नंबर विल बी शीट ऑफ पेपर्स, नाइन्थ विल बी बॉटल ऑफ वॉटर्स, एंड टेंथ विल बी कैन ऑफ ऑयल, कैन ऑफ ऑयल, टेंथ विल बी, एलेवेंथ विल बी हीप ऑफ गार्बेज, एंड ट्वेल्थ विल बी कप ऑफ मिल्क। तो इजिली यहाँ पे हमने बहुत जल्द देखिए सॉल्व कर लिए एच नंबर भी। अब आई चलते आई नंबर की साइज पे, यहाँ पे हम लोग चेक करते हैं, देखते हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं अंडरलाइन द करेक्ट नाउन इन द ब्रैकेट, बस आपको नाउन को टिक करना है, सिंपली काफी इजी है, मैं बताते जा रहा हूँ आप लोग टिक करते जाएं। तो पहले आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा इक्विपमेंट होगा, इक्विपमेंट्स नहीं होता है। सिमिलरली अगर मैं सेकंड की बात करूँ इम्प्लॉइज होता है, यहाँ पे इम्प्लॉइज होगा द बैंक इम्प्लॉइज, ओके, चूंकि यहाँ पे प्लूरल नंबर दिया गया है। थर्ड नंबर की बात करूँ तो यहाँ पे लगेज होगा, लगेज नहीं होगा। फोर्थ में यहाँ पे आपका पेट्रोल होगा, पेट्रोल्स नहीं होगा। एंड हियर द करेक्ट आंसर विल बी एयरक्राफ्ट, ऑल राइट एवरीवन। सिक्स्थ हियर इट विल बी एडवाइस, नॉट एडवाइजेस। सेवेंथ विल बी गार्बेज, काफी इजी एक्सरसाइज है ये। एट नंबर विल बी फर्नीचर, फर्नीचर्स होता ही नहीं है स्टूडेंट्स, ओके। नाइन्थ की अगर बात करूँ तो यहाँ पे आपका हेयर होगा, हेयर्स नहीं होगा। टेंथ में आपका जो सही ऑप्शन होगा बेनिकुलर होगा, बेनिकुलर्स, बेनिकुलर होता ही नहीं, ओके, ये ही ऑलवेज बेनिकुलर्स ही हो, इसका सिंगुलर नहीं होगा, ऑलवेज प्लूरल फॉर्म में यूज होगा।
यहाँ पे आपका म्यूजिक करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिएगा, तो पहले में आपका हो जाएगा कंपनीज हो जाएगा और दूसरे में आपका सही आंसर हो जाएगा प्रोग्रेस। तो स्टूडेंट्स इन दिस वे वी हैव सॉल्व आई नंबर एज वेल। आई होप आपको सेशन काफी यूजफुल लग रहा होगा, आप लोग इजिली अपने एक्सरसाइज को सॉल्व कर पा रहे होंगे। चलो तो अब यहाँ पे हम लोग चलते हैं। अब यहाँ देखिए आपको ये फिल करना है, आपको ऑप्शंस बताता जा रहा हूँ यहाँ पे क्या फिल करना होगा। तो पहला देखिए यहाँ पे हरप्रीत गुड मॉर्निंग ऑनर, देखिए काफी टाइम लग जाएगा इसको पूरा फिल करना, तो आप लोग खुद से करिएगा। चलते हैं आगे की ओर, मैं चाह रहा हूँ कि जितनी जल्द से जल्द हो सके एक्सरसाइजेस जितनी इंपॉर्टेंट है मैं आपकी बुक की सॉल्व करवा दूँ। तो अब यहाँ पे आपका के नंबर, ये एक अच्छी एक्सरसाइज है, इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि अंडरलाइन द करेक्ट नाउन ओके इन द ब्रैकेट टू कंप्लीट दीज प्रोवर्ब एंड देन राइट द काइंड ऑफ नाउन दैट यू हैव अंडरलाइन। चलिए यहाँ पे मैं करेक्ट नाउन आपको मैं बता दे रहा हूँ, काइंड ऑफ नाउन आप लोग खुद फाइंड आउट करिएगा क्योंकि ये काफी इजी है और मैंने काइंड ऑफ नाउन बहुत अच्छे से स्टूडेंट्स पढ़ाया भी हुआ है। तो पहले में जो करेक्ट वर्ड होगा दैट विल बी बर्ड, सेकेंड में आपको करेक्ट वर्ड होगा पर्सन, थर्ड नॉलेज, फोर्थ विल बी रोम एंड फिफ्थ में आपका सही ऑप्शन होगा गोल्ड। सॉरी सिक्स में सही ऑप्शन आपका होगा यहाँ पे अब्सेंस, सेवन विल बी न्यूज, एट्थ में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ब्यूटी, नाइन्थ विल बी चैरिटी एंड टेंथ विल बी इट विल बी ब्रिजेस राइट एंड इलेवन विल बी वेसल्स एंड नाउ ट्वेल्व विल बी क्लाउड एंड देन आफ्टर नेक्स्ट विल बी मिल्क एंड नाउ द नेक्स्ट विल बी फैमिली और क्राउड, हियर इट विल बी क्राउड। सो स्टूडेंट्स इन दिस वे आई हैव गिवन यू सोल्यूशन ऑफ सेकेंड चैप्टर ऑफ योर रत्ना सागर पब्लिकेशन बुक, द चैप्टर नेम इज नाउ। सो वेल ये चैप्टर फिनिश हो गया स्टूडेंट्स, आई होप आप सबने अपने एक्सरसाइजेस को प्रॉपरली फिल कर लिया होगा। और नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करूंगा डिटरमाइनर्स चैप्टर के बारे में, और डिटरमाइनर्स में बहुत जल्दी वीडियो भी अपलोड करने वाला हूँ। पहले आप लोग उस वीडियो को देखिएगा जिससे कि डिटरमाइनर क्या होते हैं, उनके एग्जाम्पल सब कुछ आपको बेहतरीन तरीके समझ में आ जाए, फिर मैं अपलोड करूंगा आपको इस चैप्टर की एक्सरसाइजेस को। खैर वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, और प्लीज एवरीवन डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, क्योंकि जितने ज्यादा लोग देखेंगे मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि मैं आप लोगों के लिए और इसी तरीके की ढेर सारी वीडियोस लेकर के आता रहूँ। थैंक यू सो मच एवरीवन, सी यू सून विद द नेक्स्ट वीडियो।